अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयमा फूड डायरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पेटीज बनाने की बहुत ही इजी रेसिपी, और जिसके साथ इजी भी है और साथ साथ हेल्दी भी है। जब हम बच्चों को घर में बना के लंच बॉक्स देते हैं तो हम मदर्स को बहुत ही तसल्ली होती है कि हमने होममेड फूड बच्चों को दिया है। चले आए जी, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 kg चिकन बोनलेस। चिकन लेके मैंने घर में ही बोनलेस कर लिया था, और साथ मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच सूखा धनिया और 1 से 1.5 चम्मच चिकन पाउडर मैंने ले लिया है, वो इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च मैंने कुटी हुई इसमें ऐड की है। साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया 1 अंडा और 1 चम्मच नमक, और इसको मैंने कवर करके बहुत अच्छी तरह से चॉप करना है। 5 to 6 मिनट्स मैंने इस तरह चॉप किया है। जब ये फाइन पेस्ट बन जाए, फिर हमने इसको स्पून से चेक करना है कि चिकन बिल्कुल कीमा बन गया है इसका। ये देखें, सारा चिकन बहुत अच्छी तरह से चॉप हो गया है। अब इसमें मैंने 5 स्लाइसेस ब्रेड के, प्लेन ब्रेड जो हमारे पास होती है घर में अवेलेबल, वो ब्रेड के मैंने इसमें आराम आराम से ऐड किए हैं, और साथ इसको मैंने चॉप किया है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1/2 कप दूध ऐड करके चॉप कर लें, क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी ड्राई होती है इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लेकिन साथ साथ अगर आपके पास दूध नहीं अवेलेबल तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। यहाँ मैंने इसमें 1.5 चम्मच सोया सॉस ऐड किया है, और फिर से मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। यहाँ पे हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। ये देखें, बिल्कुल मिक्सर ब्रेड और चिकन बिल्कुल एक साथ मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में। चिकन पेटीज बनाने का बहुत ही इजी रेसिपी है ये, नहायत ही आसान तरीका है। अब हमने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा ये चिकन का कीमा जो होता है थोड़ा सा स्टिकी होता है, हैंड के साथ स्टिक कर दिया लेता है, इसलिए मैंने इस तरह हाथ पे ऑयल लगा के, और एक ढक्कन मेरे पास था बॉटल का, ढक्कन में मैंने इस तरह शॉपर लगा लिया है। शॉपर लगा के और इस तरह चिकन का एक छोटा सा वो लेके बॉल बना के वो इसके ऊपर ढकने के ऊपर लगाना है, और ये बिल्कुल ढक्कन की शेप का बहुत ही मज़े का, ये देखें कितने अच्छी तरह से और इक्वल बन जाते हैं ये इस तरह बनाने से, सेम साइज़ के होते हैं। और ये मेरे पास थोड़ा सा जैम की बॉटल का ढक्कन नहीं है, उससे थोड़ी सी बड़ी बॉटल थी हनी की, उसका मैंने ढक्कन ले लिया है। उससे ये बिल्कुल जो पेटीज का साइज़ मिलता है बाज़ार में मार्केट में, ये उसी साइज़ की बनती हैं। इससे इस तरह मैंने सारी पेटीज़ को रेडी कर लिया, और ये बहुत ही ईजी मेथड है ढक्कन से हमारे, और 5 to 6 मिनट्स में ये सारी पेटीज़ रेडी हो गई थी। ये 1 kg कीमा से मेरी 18 to 20 पेटीज रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको फ्रीजर में रख लिया है, और ताकि थोड़ी सी हार्ड हो जाएं, जब पेटीज हार्ड हो जाएं फिर हमने इसकी कोटिंग करनी है। यहाँ मैंने होममेड ब्रेड क्रम्स ले लिए, एक बाउल में ब्रेड क्रम्स डाल लें, और दूसरे में मैंने 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाला है। अगर आपकी पेटीज ज़्यादा हैं तो आप क्वांटिटीज कॉर्नफ्लोर और मैदे की ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है, और 1/2 चम्मच नमक, और साथ पानी डाल के इसका बहुत अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ मैंने विस्क के साथ इसको इस तरह मिक्स किया और इसका बैटर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा थिक हमें बैटर चाहिए, बहुत ही पतला नहीं हो, ऐसा हो कि हमारी पेटीज के साथ स्टिक हो जाए। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा सा बैटर बनाया है। पेटीज मैंने फ्रीज होने के लिए रख दी थी, और अब ये देखें ज़रा हार्ड हो गई हैं पेटीज। जब हार्ड हो जाए तभी आपने कोटिंग करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। पहले मैंने ये मैदे वाले बैटर में मिक्स कर ली, फिर उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से दोनों साइड पे कोट करने हैं। ये देखें रेडी हो गई है।
इसी तरह आपने सारी पेटीज पहले मैदे वाले मिक्सचर में, देन फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में करना है। अगर आपको पसंद है तो आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। मैंने सिंगल कोटिंग की है, ये देखें इस तरह सिंगल कोटिंग करके और हमने एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज कर लेनी है। 1 मंथ तक ये चल जाती है हमारी पेटीज। तो मैंने सारी पेटीज रेडी करके फ्रीज कर ली थी। ये देखें सारी पेटीज मैंने कोटिंग करके इसको फ्रीज कर लिया है। नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी किया था और उसके लिए मैंने इनको बर्गर्स दिए। ऑयल को मैंने हीट कर लिया और उसके बाद मैंने अपनी पेटीज फ्राई होने के लिए डाल दी। देखें जब दोनों साइड से इस तरह गोल्डन हो जाए तो हमने निकाल लेनी है। हमारी पेटीज रेडी हो गई हैं। अब हमने बर्गर बनाना है बच्चों के लिए। बर्गर बनाना सभी को आता है। जस्ट हमने बंस को दोनों साइड से सेक के बीच में पेटीज और अपने पसंद की वेजीज वगैरह ऐड करनी होती हैं। यहाँ मैंने दोनों साइड से बर्गर्स को हीट कर लिया और केचप और मेयोनीज लगा ली है। इस तरह स्प्रेड कर लें। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स पसंद करते हैं आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे बच्चे बस चीज़ और बीच में चिकन पेटीज ही पसंद करते हैं लंच के लिए, इसलिए मैंने जस्ट इसमें चीज़ स्लाइस ऐड किया और चिकन पेटीज एक एक रख ली। जब हम होममेड फूड बच्चों को देते हैं तो हमें भी तसल्ली रहती है कि बच्चों ने कुछ हेल्दी ही खाया होगा स्कूल में। आपने इस तरह ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गए हैं बर्गर्स। कर लिए और बच्चों का लंच रेडी कर लिए। ये देखें बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट सी बनती हैं, जूसी भी होती हैं ये पेटीज। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इस मेथड से ट्राई करना है और बच्चों को हेल्दी फूड देना है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।